हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब के अमृतसर के बसंत नगर के रिंकू पहलवान को 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टरों का पुलिस के साथ एयरपोर्ट रोड पर मुकाबला हो गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में गैंगस्टर जख्मी हो गया। पुलिस ने पकड़ने के बाद घायल को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया है। जवाबी फायरिंग के बीच एक मुलाजिम भी जख्मी हो गया, जबकि दूसरा गैंगस्टर फरार होने में कामयाब रहा। घायल गैंगस्टर से पुलिस के अधिकारी अस्पताल में ही जानकारी जुटाने में लगे हैं। मजीठा रोड स्थित बसंत नगर के रिंकू पहलवान को 20 दिसंबर की रात 8:30 बजे 20 लाख रुपए की रंगदारी की कॉल आई। कॉल के 2 घंटे बाद ही बाइक सवार दो युवकों ने रिंकू के घर के सामने हवाई फायरिंग कर दी। शिकायत के बाद से पुलिस नंबर को ट्रैक कर रही थी और मोबाइल नंबर की लोकेशन एयरपोर्ट रोड पर मिली तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया। घिरता देख गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अमन नामक युवक को गोली लग गई और पुलिस ने उसे काबू कर लिया। फायरिंग के बीच पुलिस मुलाजिम मलकीत सिंह भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने गैंगस्टर और जख्मी पुलिस मुलाजिम को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं दूसरा गैंगस्टर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस से बचकर वहां से भाग निकला। मामले की जांच अधिकारी ने गैंगस्टर की जख्मी होने की पुष्टि की और कहा कि उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अमृतसर से हमारे संवाददाता विकास औरल्यान की रिपोर्ट। मजीठा रोड पुलिस स्टेशन किसी एनोनिमस व्यक्ति जिदा असीं नाम नहीं जाहर कर रहे उसनों एक थ्रैट कॉल आई सी जी कि उस तो 20 लाख रुपए का रैनसम की मांग की गई सी। जिस तो बाद 8 बजे के करीब उसनों कॉल आई तो 10 बजे के करीब 2 अणपछाते नौजवान मोटरसाइकिल से आए थे और घर के बाहर गोलियां चला के गए। जिस तो बाद उतो खोल भी बरामद हुए। जिस तो बाद असी अधीन धारा 387-506 IPC नाल आर्म्स एक्ट तो उन्होंने खिलाफ असी मुकदमा रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब सूँ एक इनफॉर्मेशन मिली थी कि 2 बंदे जो गोलियां चला गए तो रैनसम की मांग कर रहे हैं वो गुमटाला बाईपास के नेड़े घूम रहे हैं। जो साड़ी पुलिस पार्टी समेत मेरे तो नाल SHO मजीठा रोड तो इंचार्ज फैजपुरा जी मौके पर पहुंचे तो इन दोनों व्यक्तियों का साडा इनकाउंटर आया। जो असं इन्हों शांतिपूर्ण फड़न की कोशिश की इन्हों वालों साढ़े उपर गोली चलाई गई। जो गोली मेरे रीडर गुरजीत दे हैड कॉन्स्टेबल गुरजीत दे हिट की। जवाबी फायर में जो असी गोलीबारी की तो उन्होंने एक जो मुजरम से वो पट से गोली वजी है तो जिसते गोली वजी उसका नाम है जी अमन कुमार जिसनों मौके तो ही अरैसट कर लिया। तो दूसरा दोषी अजय उतों भजन उन्हें सफल हो गया जी। साड़ी पुलिस पार्टी वो असं पिछे लगे हुए जी। जो फरार हो कितों का रहना यह साढ़े सदर थाने का रहने वाला जी। सर इन्ना ते पहले भी कोई मामले दर्ज है ये है जी असं इन्हों का रिकॉर्ड अजे देख रहे हैं। अगर कोई रिकॉर्ड सामने आऊगा तो उस तो बाद दस सकते जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।